हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फोन फिक्स हैदराबाद। जैसे कि फ्रेंड्स, मेरा नाम है फिरोज और मैं आपके लिए हर बार कुछ ना कुछ एक नया सोल्यूशन लेकर आता हूं। जैसे आपने थंबनेल देखा होगा और देख के समझ गए होंगे, आज हम बात करने वाले हैं जो कि सुपर AMOLED डिस्प्ले होता है, जो कि 5G हैंडसेट में भी आपको देखने मिलेगा इस तरह का डिस्प्ले, और 4G हैंडसेट में भी आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों, आज इसमें हम देखेंगे कुछ दो टाइप के एक अलग अलग ICOM को देखेंगे, उसमें क्या सप्लाई आ रहा है ये भी देखेंगे, और पूरी गारंटी के साथ, बोल सकता हूँ जिम्मेदारी के साथ, ये जो मॉडल्स का मैं वीडियो अभी लेकर आया हूँ ये पूरे यूट्यूब पर आपको आज तक एक भी वीडियो नहीं मिलेगा। दोस्तों, इससे पहले मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, ये फोन फिक्स HYD का हमारा यूट्यूब चैनल है। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा फ्रेंड, जैसे हमारे चैनल पे जो भी नए नए वीडियोस आते रहेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और हमारा कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे, और यहां से आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिलेगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, हमारा फोन फिक्स हैदराबाद का पेज है, फेसबुक पेज, ये हमारा लास्ट बैच है जो कि नवंबर 27 का बैच है, जो सारे बच्चे यहाँ पे आप देख सक रहे हैं, ये पूरा ऑल ओवर इंडिया से है, इंडिया के बाहर से भी बच्चे आते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ सॉल्यूशंस चाहिए, अगर आपके पास इस तरह का काम आ रहा है और इस तरह का काम आ रहा है लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं, तो यहां से जाकर के सॉल्यूशन ले सकते हैं आप। काफी सारे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे काम करते हैं, जो कि हम यहाँ पे बताने की कोशिश करते हैं। ये देख सकते हैं आप, स्टूडेंट के पास फास्ट बूट मोड में मोबाइल आया था, उन्होंने कैसे रिपेयर किया, क्या रिपेयर किया, सब कुछ यहाँ पे स्टूडेंट्स बताते हैं। अगर आप चाहो तो ये देख सकते हैं, तो यहाँ पे भी आप जाकर के देखिए सारी चीज को, तो आपको काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा। इस तरह के हम काफी सारे पोस्ट डालते रहते हैं। ये इंडिया में मैं समझता हूँ इंडिया में ये पहला ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो कि अपने बच्चों का काम दिखाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, नवंबर 27 लास्ट बैच के ही बच्चा है ये, जो कि यहाँ पे काम डाल रहे हैं, अपना काम पोस्ट उनका दिखा रहा हूं मैं आपको। ये 27/2/2022 का है, ये सितंबर का बैच के स्टूडेंट है। देख सकते हैं आप, आईफोन रिपेयर कर रहे हैं जो कि सऊदी अरब से हमारे पास आए थे। दोस्तों, ये क्यों बताता हूं मैं, ये बताने का रीजन ये है फ्रेंड्स के यहां के बच्चे, फोन फिक्स हैदराबाद के बच्चे, यहां पे आप देख सकते हैं फोन फिक्स हैदराबाद, यहां पे स्टूडेंट ने भी यहां पे लिखा होता है, हर एक के नीचे आपको ये देख सकते हैं, ये 27 अक्टूबर का बैच, 2022 का बैच है। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि मैं बहुत पुराने पोस्ट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये जितने भी पोस्ट आपको यहां पे देखने को मिल जाते हैं ये आपको बिल्कुल लेटेस्ट ही होते हैं। तो स्टूडेंट कैसे रिपेयर कर रहे हैं, क्या रिपेयर कर रहे हैं, क्या लेवल पे ये जा रहे हैं, इनका आपको कोशिश करते हैं हम लोग काम दिखाने की। हर स्टूडेंट यहाँ पे हमारे साथ जुड़ के होते हैं, जो बच्चे हैं फ्रेंड उनको हमसे सपोर्ट मिल जाता है और इनका सपोर्ट हमको मिल जाता है। सब लोग मिलजुल के काम करते हैं, ग्रुप में व्हाट्सएप में एक साथ काम करते हैं, तो सबका एक काम होते रहता है, सबको सोल्यूशन मिलते रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, हजारों पोस्ट है, हजारों, एक दो नहीं फ्रेंड्स। अगर आप यहाँ पे सी ऑल पे करेंगे और अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे फ्रेंड्स सारे के सारे स्टूडेंट के वर्क किए हुए सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, जो कि पूरे इंडिया में इस तरह का डाटा आपको कोई भी शो नहीं करेगा फ्रेंड्स। के बच्चे काम सीख कर, ये लास्ट बैच के बच्चे हैं, काम सीख कर जाने के बाद किस लेवल पे वो काम कर रहे हैं, उनका हैंड स्किल कैसा है, उनका डायग्राम का ड्रॉ करने का तरीका कैसा है, यहाँ पे आप आ करके देख सकते हैं। ये जो वर्क हम बताते हैं फ्रेंड्स, ये सारे के सारे स्टूडेंट के बैच का नाम लिखा हुआ है उनका, और उनके सारे हर जगह आप देख लेंगे थैंक्स फोन फिक्स है। जी हाँ बिल्कुल फ्रेंड, फोन फिक्स को ये थैंक्स कहते हैं क्योंकि इनको यहां से कुछ मिलता है। दोस्तों, इस तरह के पोस्ट आप पूरे YouTube पे देख लीजिए, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, काफी चिल्लाएंगे, काफी ऐड करेंगे, काफी उनके पास से लड़की लोग कॉल करेंगे, लेकिन ये काम आपको कोई दिखा नहीं सकता फ्रेंड्स, गारंटी के साथ बोल सकता हूं। ये जो काम बच्चे कर रहे हैं, इस तरह का काम करवाने के लिए टीचर्स के पास पहले नॉलेज होने चाहिए, वैसा काम उनको सिखाने का तरीका आना चाहिए। यहां पे आप देख सकते हैं 5th मे के बैच का बच्चा क्या बोल रहा है, टेक्नो i7 का चार्जिंग नहीं हो रहा था, बैटरी स्टोर नहीं हो रहा था, चार्जिंग स्कीमेटिक पोर्ट में उन्होंने देखा 0.6, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप काम किए, तो यहां पे VCDT लाइन में प्रॉब्लम था, इन्होंने यहां पे रजिस्टर को चेंज किया जिसका रजिस्टर का वैल्यू था 39K। यहां पे वोल्टेज डिवाइडर सर्किट के थ्रू इन्होंने इसको यहां पे निकाला कि उसका वैल्यू क्या होनी चाहिए, उसके हिसाब से यहां पे इन्होंने ये हैंडसेट को बनाया है। तो ऐसे फ्रेंड्स काफी सारे यहां पे आपको पोस्ट मिल जाएंगे, जाइए जाकर देखिए, बच्चों का सलूशन अगर चाहिए आपको तो हमारे साथ जुड़ जाइए इस ग्रुप के साथ, और अच्छे से इस तरह से एक प्रोफेशनल टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो नेक्स्ट बैच हमारा 27 दिसंबर और 27 जनवरी का बुकिंग चल रहा है, उसमें आना है तो आप आ सकते हैं।
चलिए फ्रेंड देर ना करते हुए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं यहाँ पे एक डायग्राम यहाँ पे ओपन किया हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एक रेनो 5 जो कि एक 5G हैंडसेट है जिसमें एक सुपर AMOLED लाइट लगती है, तो ये भी मैंने यहाँ पे एक इसका हार्डवेयर सोल्यूशन खोला है। क्योंकि फ्रेंड्स मेरे यहाँ पे जब क्लास में आप लोग आते हैं तो मैं इसके थ्रू नहीं बल्कि डायग्राम के थ्रू आपको पढ़ाता हूँ कि कौन सी IC लाइट के लिए यूज होती है। अगर यहाँ पे बात करूं फ्रेंड्स मैं इसमें आप रेनो 5 में अगर देखेंगे तो सुपर AMOLED के लिए यहाँ पे जो IC का इस्तेमाल किया है इन्होंने, यहाँ पे आप देख सकते हैं लैग वाला IC इन्होंने इस्तेमाल किया है, ये देख सकते हैं। अगर यहां से आप काउंट करेंगे तो इसमें 16 लैग का IC होता है, जो कि पहले भी ये काफी सारे सैमसंग के मॉडल में इस तरह का IC आपने देखा होगा, क्योंकि सैमसंग में आपको सुपर AMOLED का डिस्प्ले मिल जाता है। तो दोस्तों जरूरी नहीं है कि ये लाइट के लिए ये लोग यही IC यूज करें। अगर मैं बात करूं इसमें तो सुपर AMOLED है बट यहाँ पे लैग वाला IC यहाँ पे यूज किया गया है। तो दोस्तों इसमें सप्लाइयां क्या क्या होती है, कैसे काम करती हैं, यही चीज मैं आपको क्लास में लाइव प्रैक्टिकली बताता हूँ। एक एक IC को चेक करके टेस्टिंग के साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है, कौन सी सप्लाइयां उसमें चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है IC की, बेसिक नीड्स क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है IC की, क्या क्या उसको वोल्टेजेस चाहिए, क्या सिग्नल लाइंस चाहिए, क्या CPU से उसको कमांड चाहिए, कब वो आउटपुट निकालेगा, बूस्ट वोल्टेज बनाने के लिए उसको क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, एक एक चीज मैं डिटेल में बताता हूं। अगर आप इसमें देखेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ सीरीज और पैरेलल कंपोनेंट बताएगा और सीधा ले जाकर के आपको यहां पे डिस्प्ले में आपको कनेक्टर पे बता देगा कि फला फला नंबर पिन पे आप ये वोल्टेजेस चेक कर लो। तो दोस्तों वोल्टेजेस आते कब है, कितने आते हैं, कब आते हैं, तो कौन सा IC चाहिए, तो ये सारी चीज हम क्लास में आपको सिखाते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स यहां पे तो हमने देखा यहां पे लैग वाला IC का इस्तेमाल किया गया है, ये देख सकते हैं Vivo V21i जो कि 5G हैंडसेट है फ्रेंड्स। 5G की जो सबसे ज्यादा अगर वीडियोस आपको देखने को मिल जाएगी वो फोन फिक्स हैदराबाद के चैनल पे यूट्यूब पे मिल जाएगी हमारे चैनल पे। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स एक नया आपको मैं बता रहा हूं, अभी तक आपने देखा होगा लाइट का जो IC है ऊपर मेन बोर्ड में आपने देखा होगा, और अब ये देख रहे हैं आप यहाँ पे चार्जिंग टाइप सी का चार्जिंग का यहाँ पे सॉकेट देख सकते हैं आप, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स तो लाइट का IC यहाँ पे लगाया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स ये यूट्यूब की हिस्ट्री में पहली बार आप देख रहे होंगे, इस तरह का वीडियो आपको देखने भी मिलेगा नहीं। ये सब रिसर्च फोनपिक हैदराबाद की टीम रिसर्च करती है और हमारे स्टूडेंट्स को बहुत अपग्रेड करते हैं, काफी ज्यादा हद तक उनको अपडेट करते हैं जो कि जाकर काम कर लेते हैं। अगर आपके टीचर ने आपको ये सारी चीज नहीं बताई तो मुझे दोष मत देना फ्रेंड्स, बाकी फोन फिक्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये चीज मिलते रहती है, और हमारे यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स जितने भी है उनको मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि नई नई चीजें मार्केट में क्या आ रही है। काफी सारा अपडेट हो चुका है एंड्रॉयड में फ्रेंड्स, दो दो मदरबोर्ड आ रहे हैं जिसको हम जैसे आईफोन X वगैरह में आप देख सकते हैं, तो नीचे भी एक आपको PCB मिलेगा, उसके ऊपर एक और PCB लगा हुआ मिलेगा। डबल डेकर जिस तरह से होता है वैसे ही आपको मदरबोर्ड देखने मिल जाएंगे। अब ये जो देख रहे हैं फ्रेंड्स इसका जो आप कनेक्टर वगैरह देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिस्प्ले का कनेक्टर यहाँ पे लगता है, यहाँ से डिस्प्ले में से कनेक्टर निकलेगा और यहाँ पे लगेगा। तो फ्रेंड्स ये एक नया सर्किट है जो कि सुपर AMOLED के लिए होता है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये भी वही बताएगा आपको कि इस तरह से सप्लाइयां इन होती है, इधर से ये आउट होती है। तो ये ग्रीन लाइन क्या है, ब्लू लाइन क्या है, इन्होंने कलर क्यों कर दिया है इसको समझने के लिए। लेकिन फ्रेंड जब आप डायग्राम के थ्रू अगर समझ लेंगे, अगर आपको इस तरह का हार्डवेयर का सोल्यूशन भी नहीं मिलेगा तब भी आप मोबाइल रिपेयर कर सकते हैं, जो कि हम आपको लाइव क्लास में बताते हैं कि कैसे IC को पहचानना है, कैसे हम चेक करें कि यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी सारे पिनों का इन्होंने NC छोड़ दिया है। तो ये क्या सारे NC होते हैं, क्या सारे ग्राउंड पिंस होते हैं, यही चीज मैं आपको सिखाता हूं। जैसे अगर आप इसमें देखेंगे 25 बॉल का ये एक IC है, अगर आप काउंट करेंगे तो यहां से 5-5 पिनों से, तो 25 पिन में 25 बॉल में क्या सप्लाई कब इन होती है, VS YS यहां पे लिख के, जैसे कि आप देखेंगे यहां पे सप्लाई VPS का सप्लाई आ रहा है, ये देख सकते हैं। तो ऊपर से मेन बोर्ड से यहां पे आपको VPS देखने को मिलेगा जो कि 4 वोल्ट जो कि IC में यहां से इन हो रहा है, और यहां पे एक बूस्ट कॉइल के थ्रू वापस स्विचिंग के लिए यहां पे इस नंबर पिन पे, और यहीं से वापस अगर आप देखेंगे तो यहां से एक बूस्ट कॉइल लग के यहां
से भी ये इन हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे दो दो कॉइल लगाए गए हैं, यहाँ पे एक कॉइल लगा के है। तो ये सारी चीज हम क्लास में आपको सिखाते हैं कि क्यों यहाँ पे कॉइल्स का इस्तेमाल किया गया है। एक दो तीन कॉइल देख रहे हैं आप यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे भी अगर देखेंगे बात करेंगे तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक दो और तीन कॉइल यहां पे भी दिख रहे हैं। ये एक टेक्निक है फ्रेंड्स सीखने की समझने की, जो कि आपको एक अच्छा ट्रेनिंग सेंटर, एक अच्छा इंस्टीट्यूट, एक अच्छा टीचर आपको सारी चीजें बता सकता है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो लोग छुपा के रखते हैं, आपको सही तरीके से बताते नहीं है। आप एक भरोसे से इंस्टीट्यूट चले जाते हैं, एक उम्मीद लेके जाते हैं कि वहां से हमको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। लेकिन दोस्तों बहुत सारे इंस्टीट्यूट में हमने देखा है कि बच्चों को सारी चीज नहीं देते हैं, बुलाकर उनका टाइम तो पूरा ले लेते हैं, उनसे पैसा तो पूरा ले लेते हैं, लेकिन सारी चीज उनको नहीं मिलती है वहां से। उसके बाद वो नाउमीद हो जाते हैं, उसके बाद वो समझते हैं कि सारे इंस्टीट्यूट वाले एक जैसे ही होते हैं। तो फ्रेंड्स यही चीज है, अगर आप कोई भी चीज खरीदने जा रहे हैं तो अच्छी से अच्छी चीज खरीदते हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स अगर आप किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को चुन रहे हैं, किसी भी टीचर को चुन रहे हैं, किसी भी एक ऐसे कोचिंग सेंटर को चुन रहे हैं जो आपका भविष्य बनाने वाला है। क्योंकि फ्रेंड्स आपका जो बिजनेस है वो बिजनेस में आपको अपनी इनकम बढ़ानी है, वो बिजनेस में आपको बहुत आगे जाना है, तो आप ऐसे जगह पे मत जाइए जहां पे बिल्कुल कम फीस ली जा रही है। ऐसी जगह पे बिल्कुल मत जाइए जहां पे हजारों, जहां पे 50-50, 60-60 बच्चों को बिठा के पढ़ाया जा रहा है। दोस्तों फोन फिक्स हैदराबाद में आपको लिमिटेड सीटें होती है और यहां पे हम 50-50 बच्चों को बिठा के बिल्कुल नहीं पढ़ाते हैं। और 10 घंटा क्लास होती है, नो संडे नो मंडे, यहां पे कोई टाइम देखा नहीं जाता है। 10 से 12 घंटे ज्यादा यहां पे क्लास होती है। हॉस्टल में भी आपको इन सारी आईसीयू का क्या काम है, इसका नाम क्या होता है, इसके फुल फॉर्म्स क्या है, कितने वोल्टेजेस कब आते हैं, ये सारी चीज हॉस्टल पे भी आपको यहां पे हम आपको काम देते हैं। तो यहां पे फ्रेंड्स एक मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि मैंने ये सॉल्यूशन ही समझ लीजिए आपको, इन लाइनों के बारे में मैं समझा रहा हूं आपको। और अच्छे से अगर सीखना है, एक तजुर्बे से सीखना है, एक एक्सपीरियंस से सीखना है, एक प्रोफेशनल टेक्नीशियन बनना है, तो फोन फिक्स हैदराबाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। कभी भी कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, डिटेल ले लीजिए, डेमो क्लास लीजिए, कभी भी आ सकते हैं फोन फिक्स हैदराबाद। अगर आप आना चाहते हैं तो हमारा बैच 20 दिन का होता है, जिसमें बच्चों को जीरो से लेके हीरो लेवल तक, जीरो से हीरो यानी बेसिक से लेके सुपर एडवांस लेवल तक यहां पे हम कोर्स सिखाते हैं। जितने भी इंडिया के अंदर मोबाइल रिपेयरिंग के कोर्सेस चल रहे हैं, भले ही कोई इंस्टीट्यूट वाले उसको अलग अलग नाम से बुला रहे हैं, तो नाम आप समझ जाते हैं, आप समझदार हैं, तो कितने भी नामे लगा ले फ्रेंड्स, लेकिन मोबाइल का जो ट्रेनिंग है फ्रेंड्स, उसमें नाम लगा लगा कर आपको कंफ्यूज करेंगे, फला 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 नाम लगाएंगे। जैसे फ्रेंड्स अगर आप किसी कुछ पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहां पे भी ऐसा एमपीसी, बाईपीसी, सीईसी, इस तरह से आपको वहां पे तो सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन मोबाइल के लाइन में फ्रेंड्स हमारे पास कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। मोबाइल के अंदर सिर्फ मोबाइल की रिपेयरिंग होती है, जिसके अंदर दो चीज की बहुत जरूरी है, एक है हैंड स्किल का काम और दूसरा है सर्किट की लाइनों की नॉलेज। हमारे मोबाइल के अंदर कोई सब्जेक्ट नहीं है फ्रेंड्स, हम सिर्फ हार्ड सॉफ्टवेयर और एमएमसी, ये तीन तरह के एक हमारे पास जो होती हैं मोबाइल के अंदर, तीनों काम आपको आने चाहिए। लेकिन मार्केट के अंदर आपको नए नए नाम बता बता कर कंफ्यूज करेंगे, आपको कॉल कर करके कंफ्यूज करेंगे, आप सोचेंगे कि इसमें भी एक अलग अलग लेवल का कुछ काम सीखने मिलेगा। दोस्तों मोबाइल का जो काम है, अगर आप बेसिक लेवल का काम सीखेंगे तो आप कुछ इनकम नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल बेसिक सी इनकम आपकी होगी। दोस्तों अगर आपको काम सीखना है, एक बार सीखिए, अच्छे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को जाके सीखिए, अच्छे टीचर के पास सीखिए और अच्छी तरह से सीखिए। आप सोचते हैं मैं पास का इंस्टीट्यूट चला जाऊंगा, कम फीस कहां है वहां चला जाऊंगा, या फिर आप देखेंगे बड़ा शहर कहां पे है, बड़ा शहर बिल्कुल मत देखिए, आप अच्छा इंस्टीट्यूट देखिए और ये देखिए कि क्या इनके पास के बच्चे जाकर के इस तरह का काम कर पा रहे हैं कि नहीं भी कर पा रहे हैं। काम कर पा रहे हैं तभी आप ऐसे ट्रेनिंग सेंटर जाइए। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड, जितने भी ये डाटा शीट बने हुए देख सकते हैं आप, ये हमारे स्टूडेंट से हमने बनवाते हैं और हम खुद इस तरह के डायग्राम्स बना करके स्टूडेंट को देते हैं कि कहाँ पे क्या सप्लाई आनी चाहिए। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे ज्यादातर आपको काम किए हुए पोस्ट मिलेंगे स्टूडेंट्स के, तो यहाँ से आप सोल्यूशन भी काफी सारे ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर बात करूं 25 वॉल में, तो सबसे पहले एक आईसी को यहां पे चाहिए, वीपीएस की सप्लाई, ये देख सकते हैं, ये जो आ रही है फ्रेंड्स आपको मेन ऊपर आपकी चार्जिंग आईसी से, जो कि इस वाले कनेक्टर में आएगी, जो कि हमारा 3.64 वोल्ट होता है,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं VPH की सप्लाई यहाँ से होकर के इस आईसी में यहाँ पे पिंक कलर की जो लाइन देख रहे हैं आप, ये डार्क पिंक, ये VPH का इसको सप्लाई यहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे यहाँ पे टोटल इसमें इन्होंने सिर्फ इनपुट में एक ही लाइन बताई है। इसके अलावा फ्रेंड्स इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ग्राउंड पिंस होते हैं जो कि यहाँ पे इन्होंने छोड़ दिए हैं एनसी। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे लाइट के लिए ELA VDD, ये जो सप्लाई होती है फ्रेंड्स हमारी, जैसा कि नॉर्मल में हम एनोड और कैथोड बोलते हैं, तो जिस तरह से हमारा बूस्ट वोल्टेज यहाँ पे बनता है, यहाँ तो मिला था आपको 4 वोल्ट, लेकिन यहाँ से जो आउट होकर के डिस्प्ले पे आएगा यहाँ पे करीब करीब 7 से लेके 7.3 7.5 के आसपास यहाँ पे आपको वोल्टेज मिल जाता है, जो कि हमारे सुपर आमो एलईडी के लिए है। नॉर्मल जो डिस्प्ले में अगर आप देखेंगे तो वहां पे आपको 12 वोल्ट 16 वोल्ट 40 वोल्ट तक मिल जाएगा, लेकिन आप सुपर आमो एलईडी में देखेंगे तो 7 वोल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स यहां पे आप देख सकते हैं ELVSS और ELVDD, ये वही हमारी लाइनें होती है फ्रेंड्स जो कि हम VSN और VSP बोलते हैं, जो कि एंड्रॉइड में अगर नॉर्मल TFT डिस्प्ले में आप देखेंगे तो VSN VSP डिस्प्ले पॉजिटिव डिस्प्ले नेगेटिव जिसको हम कहते हैं, तो यही वो लाइनें हमारी जिसमें हम +5 हमारा होता है ELVDD और -5 होता है ELVSS। तो फ्रेंड्स ये आईसी काम जब करती हैं, जब इसको इनेबल सिग्नल मिलते हैं जो कि हमारा ELON1 और ELON2, जो कि यहां से आप देख सकते हैं डिस्प्ले लगने के बाद यहां से इसको इस आईसी में ये दो जो ब्लू और ग्रीन गोले आप दिख रहे हैं इसको इनेबल यहां से मिलता है, तब जाकर के ये आईसी अपने आउटपुट्स निकालती है। तो इसके अलावा फ्रेंड्स यहां पे आपको सीरीज में और पैरेलल में कुछ कंपोनेंट मिल जाएंगे, जैसा पैरेलल में यहां पे कैपेसिटर लग के है। नॉर्मल में अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स तो आपको सीरीज में एक रेक्टिफायर डायोड या किसी और डायोड का इस्तेमाल करके लाइट सेक्शन में आपको देखा होगा, बट फ्रेंड्स ये सुपर आमो एलईडी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, डायोड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसमें कैथोड लाइंस नहीं होते हैं। तो इसको कैसे समझना है ये सारी चीज मैं आपको क्लास में बताऊंगा। तो यहां पे भी अगर आप देखोगे तो ELON 1 2 और यहां पे -5 और यहां पे हमारा 7 वोल्ट और ये वाला हमारा VPH वोल्टेज जो कि MediaTek चिप प्रोसेसर है इसमें, यहां पे VSWire वोल्टेज सिस्टम इसमें आता है और यहां पे हमारा +4.6 के आसपास वोल्टेज मिल रहा है। यही सारी चीज आपको यहां पे डिस्प्ले कनेक्टर पे देखने को मिल जाएगी। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स यहां पे इतनी सारी सप्लाई आपके डिस्प्ले कनेक्टर में आपको चेक कर रहा है। और ये जो हैंडसेट आप देख रहे हैं ये Reno 5 का हैंडसेट मैंने यहां पे ओपन किया है। और इसके अलावा अगर बात करूं Vivo Y V21i 5G हैंडसेट का, जो कि लाइट सेक्शन अगर आप काम करेंगे फ्रेंड्स कभी भी तो मेन बोर्ड में ना करके नीचे जो सब बोर्ड है यहां पे आपको काम करना है लाइट सेक्शन के लिए। इसका डिस्प्ले का कनेक्टर, लाइट का कनेक्टर यहीं पे है, इसका लाइट आईसी भी यहीं पे है। यहां पे माइक वगैरह देख सकते हैं आप, और यहां पे अगर आप देखेंगे इसका टाइप सी का कनेक्टर है, और यहां पे आप और भी सप्लाई आती है जो नीचे की सप्लाई होती है इस कनेक्टर में होकर के आती है, तो ये सारी चीज यहां पे है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि अगर आपको एक अच्छे से टेक्नीशियन बनना है, ये तो फ्रेंड्स हो गया हार्डवेयर का सलूशन, लेकिन हम जो आपको यहां पे क्लास में सिखाते हैं फ्रेंड्स सर्किट की नॉलेज देते हैं, एक एक लाइन की ट्रेसिंग बताते हैं कैसे ढूंढना है, क्योंकि फ्रेंड ये तो हर बार बोर्नियो वाला हमको बना के नहीं देगा, या फिर कोई और स्टैक का डायग्राम है मैंने जो ओपन किया है स्टैक टूल वाला हर बार नहीं बनाएगा। अगर ये ना भी हो तो कैसे चेक करें कौन सा आईसी लाइट के लिए यूज किया जाता है, नॉर्मल आईसी है या बॉल वाला आईसी है या लैग वाला आईसी, ये TFT डिस्प्ले है, सुपर आमो एलईडी है, कौन सा लाइट सेक्शन इसमें लगाया गया है, PMI का इस्तेमाल किया या PML का इस्तेमाल किया, D8 12 वोल्ट की AC यूज कर रहा है या 6 लैग का न्यू लाइट IC यूज कर रहा है, तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है जो कि हम क्लास में आपको सिखाते हैं। दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो रहा होगा, लेंथी हो रहा होगा, उम्मीद करता हूं इसमें आपको मैंने एक ओवरव्यू समझाने की कोशिश की है। जब आप क्लास में होते हैं तो हमारा 10 से 12 घंटे का प्रैक्टिकल क्लास होता है जिसमें एक एक सब्जेक्ट को हम एक दिन पूरा लगाते हैं और अच्छे से समझाते हैं, उसके बाद भी उनको रिवीजन कराते हैं और लाइव प्रैक्टिकल यहाँ पे क्लासेस होती हैं। आप लोग काफी सारे हैंडसेट आपके साथ जो लाते हैं वो आप रिपेयर कर लेते हैं, तो यहाँ पे एक लाइव मोबाइल में क्या क्या चीज होनी चाहिए ओके मोबाइल में सारी चीज आपको बताते हैं, फॉल्ट है तो कहाँ से फॉल्ट आया है,
फॉल्ट फाइंडिंग आपको बताते हैं कि कौन सा भी सेक्शन हो कैसे फॉल्ट को फाइंड आउट करना है, क्या कंपोनेंट मिसिंग है, सीरीज में कोई प्रॉब्लम है या कोई आईसी से प्रॉब्लम है, लाइन लीकेज हो चुकी है, ट्रैक ब्रेक हो चुका है या कोई कंपोनेंट पैरेलल का शॉर्ट हो चुका है या आईसी में दिक्कत है या डिस्प्ले में दिक्कत है, ये सारी चीज स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं, तब जाकर के आप एक कोई भी हैंडसेट को इजिली रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों हम जो हैंडसेट को देखते हैं सीपीयू वाइज, चिप वाइज देखते हैं, सॉक वाइज देखते हैं कि कौन सा सीपीयू इसमें लग के है। आप मॉडल बिल्कुल मत देखिए, ये आपको देखना है कि इसमें सीपीयू कौन सा है, उसके साथ कौन सी लाइट आईसी का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्वालकॉम में कौन से आईसीयां यूज किए जाते हैं, मीडियाटेक में कौन से आईसीयां यूज किए जाते हैं, सैमसंग वगैरह में ज़ाइनक्स सीपीयू होता है उसके साथ कौन सी लाइट आईसी ग्राफिक आईसी का इस्तेमाल किया जाता है, ये एक नॉलेज होती है फ्रेंड जो कि हम आपको लाइव क्लास में देते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर देना, शेयर कर देना, थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो रहा है लेकिन दोस्तों आपको मैं कोशिश करता हूं कि अच्छे से समझाऊं, क्योंकि फ्रेंड बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं हमारे जो कि यहां वहां भटक जाते हैं, बार बार कॉल करके उनको बुलाया जाता है, फोन फिक हैदराबाद की तरफ से कभी आपको कॉल नहीं करते हैं कि दोबारा क्या सर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में से ऐसे लड़कियां कॉल करेंगे बार बार आने के लिए पूछेंगे, बाकी फ्रेंड्स आपका डिसीजन होता है, पैसे आपके हैं, लाइफ आपकी है, बिजनेस आपका है और आपको आगे जाना है और मेहनत आपको करनी है। अगर आपका बिजनेस आपको आगे ले जाना है, आपकी इनकम बढ़ानी है तो मेहनत भी आपको करना होगा, तो थोड़ा सा टाइम जरूर ले लेना किसी भी ट्रेनिंग सेंटर को जाने से पहले। बाकी फ्रेंड्स मिलते हैं इसी तरह से किसी और नेक्स्ट वीडियो में, और जो बच्चे 27 दिसंबर में आने वाले हैं आपसे मिलता हूं मैं कोर्स के अंदर। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।